गंगोत्री धाम स्थित भागीरथ शिला पर पिंडदान आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है राजा भागीरथ के पुरखे जो राजा सागर के पुत्र थे, कपिल मुनि का श्राप मिलने से वह भसीम भूत हो गए थे। उनकी आत्माओं की शांति के लिए राजा भागीरथ ने शिला पर वर्षों अपने पुरखों के तारण को गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए तपस्या की थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, तभी से यहाँ का नाम गंगोत्री और गंगोत्री से निकलने वाली गंगा भागीरथी के नाम से प्रचलित हो गई। भागीरथ शिला गंगा तट और गंगोत्री मंदिर से उतरने वाली सीढ़ियों के पास छोटे मंदिर में है, जहाँ गंगोत्री धाम दर्शन करने वाले तीर्थयात्री जरूर अपने पूर्वजों के उद्धार को पिंडदान करते हैं। धार्मिक मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र गुरु और बंधु हत्या के बाद जब शिव नाराज हुए थे तो पांडवों ने भी गंगोत्री से स्वर्गारोहण जाते वक्त भागीरथ शिला पर शिव की आराधना की थी। इसी कारण गंगोत्री धाम में भागीरथ शिला का विशेष महत्व है। भागीरथ तपस्थानम ऋषि लोकेषु विश्रुतम इदं भूलोक वैकुंठम इति जानहि नारद। इन दिनों पूर्वजों के श्राद्ध के दौरान लोग यहां बड़ी संख्या में पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। यहां पिंडदान करने मात्र से पितरों की आत्मा को शांति और पितृदोष से मुक्ति मिलती है।